अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन कहता है कि इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन एल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ए एंड बी ठीक है तो एक काम करते हैं जिस तरीके से इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हमें मिलता जाता है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग एक ग्राफ पे प्लॉट करते जाते हैं तो हमारे पास एक लाइन एल दिया हुआ है जिसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं एंड बी तो सपोज मान लीजिए इस लाइन की बात हम कर रहे हैं ठीक है ये इंटरसेप्ट हमारे पास ए है और ये इंटरसेप्ट हमारे पास बी है ठीक है यानी कहने का मतलब कि ये पॉइंट हमारे पास ए कॉमा ज़ीरो और ये पॉइंट हमारे पास ज़ीरो कॉमा बी है तो इस पोजीशन में लाइन का इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन अब हमने क्या किया इफ द एक्सेस आर रोटेटेड अबाउट ऑरिजिन द न्यू इंटरसेप्ट्स आर पी एंड क्यू अब हमने क्या किया कि एक्सेस को यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को ऑरिजिन के अबाउट रोटेट कर दिया तो मतलब इस तरीके का कुछ सिनेरियो बन गया कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ इस तरीके का कुछ सिनेरियो हमारे पास बन गया कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऑरिजिन के अबाउट रोटेट कर दिया ठीक है कुछ इस तरीके से तो अब इस रोटेटेड फॉर्म में ये अब हमारा नया एक्स इंटरसेप्ट बन जाएगा ठीक है पी कॉमा ज़ीरो और ये अब हम नया वाई इंटरसेप्ट बना सकते हैं बन जाएगा जीरो कॉमा क्यू तो लाइन का इक्वेशन इन न्यू पोजीशन, उसको मैं एल टू से रिप्रेजेंट करूं तो उसका इक्वेशन बन जाएगा एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल टू वन नए पोजीशन में लेकिन इस रोटेशन से देखिए क्या चेंज नहीं हुआ इस रोटेशन के बावजूद ऑरिजिन चेंज नहीं हुआ है तो अगर ऑरिजिन चेंज नहीं हुआ है तो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ये चेंज नहीं होगा ठीक है इन स्पाइट ऑफ द एक्सिस बींग रोटेटेड ऑरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं होगा तो अगर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम डी बोलते हैं तो हमारे d की वैल्यू लाइन वन के रेस्पेक्ट में हमारा हो जाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये वन अपॉन क्योंकि यहाँ पे आप ज़ीरो पुट करोगे यहाँ पे जीरो माइनस वन पुट करोगे मॉडुलस में माइनस वन लिखो या फिर चलो फॉर द टाइमिंग में माइनस वन लिख ही लेता हूँ तो ये एक्सप्रेशन कुछ बन जाएगा जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस वन अपॉन कोइफिशियट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दैट इज़ वन बाई ए एंड कोइफिशंट वाई का होल होल स्क्वेयर दैट इज वन बाई बी स्क्वेयर दूसरे लाइन के रेस्पेक्ट में भी ये डिस्टेंस सेम रहने वाला है तो यहाँ पे भी आपके पास जीरो प्लस जीरो माइनस वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इज वन बाई पी स्क्र एंड कोइफिशियंट ऑफ वाई स्क्वेयर दैट इज वन बाई क्यू स्क्वेयर ये हो जाएगा ठीक है सिंप्लीफाई किया हमने तो ये वन अपॉन और दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं चलिए स्क्वायर रूट हमें नहीं चाहिए तो हमने यहाँ पे कर लिया स्क्वायर तो वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन बाई क्यू स्क्वायर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आप देखोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा दैट इज़ वन बाई पी स्क्वेयर प्लस वन बाई क्यू स्क्र इज इक्वल टू वन बाई ए स्क्र प्लस वन बाई बी स्क्वेयर और ये हमने कर दिया प्रूफ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स इफ द स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी इनक्लोजेज एन एंगल पाई बाई फोर एंड द लाइन एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज एकवल टू ज़ीरो मीट्स देम एट द सेम पॉइंट फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र ठीक है तो आइए एक बार हम इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं सपोज ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है ठीक है अब अगर इस लाइन को आप देखो तो ये लाइन आपको देखा दिखाया लगेगा क्योंकि ये लाइन आपको दिया हुआ है इन नॉर्मल फॉर्म ठीक है नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो सपोज ये हमारा लाइन हो गया ठीक है और ये एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी को रिप्रेजेंट करता है तो हम जानते हैं कि ये जो पी हो जाएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन हो जाएगा और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगा वो एंगल होगा अल्फ़ा ठीक है हमारे पास एक और लाइन दिया हुआ है एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो क्लियरली इन दोनों लाइंस को अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं यानी ये जो लाइन होगा ये गिवन लाइन के क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ठीक है ये कुछ इस तरीके से होगा और देखिए अगर तो इसका इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सेस भी हमारे पास क्या दिया हुआ है एंगल अल्फा ही दिया हुआ है ठीक है अब हमें दिया हुआ था कि ये जो लाइन है वो इस लाइन से पाई बाई फोर एंगल्स सबटेंड करता है मतलब इस लाइन के साथ पाई बाई फोर एंगल बनाता है और ये दोनों लाइंस जहाँ से पास होती हैं या जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहीं से पास भी करता है तो अगर इसका हम एक डायग्राम बनाएं तो सिंस ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो ये जो लाइन होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा सच दैट ये एंगल अब हमारा 45 डिग्री हो गया क्यों क्योंकि ये दोनों के आपस के बीच का एंगल कितना होने वाला है 45 डिग्री पाई बाई फोर दिया हुआ था क्वेश्चन में तो ये पाई बाई फोर हुआ तो ये पाई बाई फोर हो जाएगा और सिंस पूरा एंगल 90 डिग्री था तो यह एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई फोर हो जाएगा तो अब हमारे पास ये जो लाइन आ गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस पी इज इक्वल टू जीरो आ गया यहाँ से क्लियरली ये जो ये वाला लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है और हम जानते हैं कि ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आने वाला है ये डिस्टेंस पी के बराबर आने वाला है ठीक है तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया पी अब अगर हम इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू जीरो ठीक है ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ठीक है आइए देखते हैं किसी भी तरीके से ये कहीं भी हो सकता है सपोज़ ये परपेंडिकुलर हुआ हमारा ठीक है ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ तो आप देखिए स्टूडेंट्स अगर ये एंगल फोर्टी फाइव डिग्री है ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी फोर्टी फाइव डिग्री हो जाएगा और अगर हम इस परपेंडिकुलर के लेंथ की बात करें इन इन टर्म्स ऑफ पी तो ये 45 ये 45 ये 90, तो ये लेंथ हमारा कितना हो जाएगा p बाई रूट टू हो जाएगा यानी ये जो परपेंडिकुलर हमारे पास आया दिस परपेंडिकुलर इज़ बेसिकली p बाई रूट टू यानी ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा p बाई रूट टू आ जाएगा तो आइए अब हम परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डाल देते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास पी बाई रूट टू आ गया है और ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर आप बनाइएगा तो उसका लेंथ आएगा पी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से पी स्क्वायर को कैंसिल करते के साथ ही आपको ए स्क्वा प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी टू और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है